बोकारो में सीता सोरेन का बयान, कहा झारखंड सरकार जो भी योजना अभी ला रहे हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ला रहे हैं। उन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि 4.5 साल तक सरकार सोई रही और जब चुनाव में चंद दिन शेष बचे तब लोक लुभावन योजना ला रहे हैं जो सिर्फ वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार का विदाई का समय आया तब मैया योजना और अन्य योजना ला रहे हैं जो सिर्फ वोट बैंक के लिए है। उन्होंने झारखंड सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर सरकार इस राज्य में काम करती तो लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार राज्य को केवल लूटने और खसोटने का काम इन 5 सालों में किया है और जब जब चुनाव का समय आ गया है और इसकी विदाई का समय आ गया है तब जनता को लुभावने के लिए योजनाओं पर योजना लाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज दुर्गा सोरेन के आदर्शों पर चलने की जरूरत है लेकिन उनकी जो सोच थी उस पर सरकार नहीं चल रही है। विस्वर्गीय दुर्गा सोरेन सेना के कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने बोकारो में उक्त बातें कही। देखिए आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पूरा जिला कमेटी और कई हमारे जिस तरह से दुर्गा सोरेन सेना के सभी सदस्य के सभी टीम मौजूद है और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बारे में सब कोई जानते हैं, पहचान के मोहताज नहीं है क्योंकि आज जो लीडर जिस तरह से झारखंड सरकार चल रही है और ये बहुत बड़ी सीख है कि हमको जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नक्शे कदम से सबको चलना चाहिए था। आज जो झारखंड की परिस्थिति है और झारखंड को जो दिशा निर्देश मिलना चाहिए जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी शेर दुर्गा थे और युवाओं के दिलों के धड़कन थे, हमारे आज के लीडर में बहुत सारी चीज़ों की कमी है और बोकारो जैसे शहर में वो रहा करते थे, यहाँ वो बहुत पसंद करते थे। तो सरकार जिस तरह से चल रही है अब हमारे झारखंड के लोग का यही कहना है कि अगर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी होते तो उनके विचारधारा की आज के समय में बहुत ज़रूरत है। तो ये कमियों को जो झारखंड सरकार में दिखाई दे रही है तो अगर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के जैसे नेता होते तो वो कमी नहीं होती। वो नहीं है, उनकी बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है, बोल रहे हैं कि वो शेरे थे तो क्या उनके प्रारूप आप काम करेंगे? देखिए जो एक दुर्गा सोरेन सेना है, सेना का जो गठन हुआ है तो ये सेना ये आगे के समय में आने वाले दिनों में जो विचारधारा है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो विचारधारा है उनको आगे लेकर के जाएंगे और आज की जो सरकार चल रही है यहाँ सिर्फ लूट घसोट और सिर्फ झारखंड को ये लूट का अखाड़ा बना दिया गया है। सब अपनी अपनी जेबों को गर्म किए 4.5 साल तक और अभी नई नई योजना को लेकर के आए हैं सिर्फ वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपको सरकार में पूरा मौका मिला है, काम करना चाहिए था। जितनी भी योजनाओं को आप शुरुआत कर रहे हैं वो पहले ही शुरू करना चाहिए था। अभी तो आपका विदाई का समय आ गया है तो ऐसे समय में ये योजनाओं का क्या मतलब है? सीधा समझ में आ रहा है कि भाई आपको वोट बैंक को दुरुस्त करना है इसीलिए इस तरह का योजना को आप ले करके आए हैं। बताइए दुर्गा सोरेन के आप कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, किस तरह से विकसित होगा और कैसे संगठन मजबूत होगा, आगे क्या करेंगे? संगठन की मजबूती तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पूरा योजना जो आज का योजना रखा गया है बोकारो में ये दुर्गा सोरेन सेना के टीम ने रखा है और आज हमारा प्रोग्राम 3 जगह है, रांची में पहला हुआ और आज यहाँ दुर्गा सोरेन चौक बोकारो में और एक और प्रोग्राम जो है वो धनबाद में है। तो इस तरीके से 3 जगह पे और हमारी जो बड़ी बहन है जयश्री वो भी जामा में, उन्होंने भी एक प्रोग्राम रखा है। तो हर जगह दुर्गा सोरेन सेना को राज्य स्तरीय बनाने की, हाँ उसको पूरी मजबूती देने की पूरी तैयारी और कोशिश चल रही है। तो आगे चल के दुर्गा सोरेन सेना को आप और
ज़्यादा पूरे झारखंड में फैला हुआ और मजबूती के साथ देखेंगे। गिरिडीह में दुर्गा सुरेन सेना का एक ऑफिस कार्यालय भी ओपनिंग होगी, तो इसी तरीके से अब गिरिडीह तरफ भी दुर्गा सुरेन सेना जो है मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, आप देखेंगे फ्यूचर। बोकारो में हमारा संगठन तो काफ़ी अच्छा है, बोकारो में तो आने वाले टाइम में ज़रूर एक कार्यालय का आप देखेंगे।